शर्मा जी, शर्मा जी, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। मुझे आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। देख, अगर हंसी मजाक वाली बात है तो कर। ये लोग एक हफ्ते से इसलिए इंतजार नहीं कर रहे कि हम लोग जरूरी बात करें। अरे मैं आपके सिर का बोझ हल्का करने आई हूँ। अबे जा, तलाक की झूठी खबर मत दे मेरे को, चल था। Shut up! मैं नौकरी की बात कर रही हूँ। मैं नौकरी करूंगी, आपके सारे कर्ज उतार दूंगी। रेलवे के फॉर्म्स निकले हैं, सोचा भर दूं। टीटी की टोपी जैसा तेरा मुंह है, तेरे को रेलवे में कौन रखेगा? देखो टीटी की टोपी आ गई। देखो शायद तुम भूल रहे हो, लेकिन मेरे ताऊजी ट्रेन के ड्राइवर है, तो वो मेरी सिफारिश करेंगे और भर्ती करवा देंगे। ट्रेन के ड्राइवर की सिफारिश चलेगी? वाह, जानता मैं इसका ताऊ को। इसका ताऊ इतना बेवकूफ आदमी ना भाई, उसकी ट्रेन में मैं एक बार गया, हर जगह रास्ते में रो रो के लोगों से पूछ रहा है, भाई साहब ये पटरी दिल्ली को जाती है? अबे जा काम कर जाके। और आगे जाके हद कर दी बाजी उसने। एक फाटक आया, एक किलोमीटर पहले ट्रेन रोक ली। मैंने कहा क्या हुआ ताऊ, रोक ली? कह रहा देख नहीं रहा फाटक बंद है, कोई ट्रेन आने वाली होगी। चल मेरे ताऊ के बारे में बोल रहे हो, ऐसा तो नहीं कि तुम्हें रेलवे का पूरा टाइम टेबल याद है? याद है, सारा कुछ याद है मेरे को। आदमी को जज्बा होना चाहिए, एक दिन में सब कुछ याद कर लेता है। तुम्हें याद है एक बार मेरा पेट खराब था और हमारा कमोड जाम था? उस एक दिन में मैंने सारी ट्रेनों के टाइम याद रख लिए थे। बढ़िया ही तू। हाँ बस यही करते रहो, या तो घर पे या तो रेलवे की पटरी पे। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा बाथरूम। अच्छा हम ही लोग करते, तुम लोग तो बाथरूम में जाके वीडियो डाउनलोड करती हो। अरे रेलवे में नौकरी करनी ना, नॉलेज होनी चाहिए। एक बात बता, सबसे पहली ट्रेन किसने चलाई थी? पता नहीं, मैं जानी है। इसको अभी पूछ लो, ऑटो रिक्शा किसने चलाया था? झट से बता दे कि मेरे डैडी ने। जीजू, जीजू, जीजू। एक तो ये इसके चाचा का लड़का, लानत भेजता, तू क्या करने आया? ये इतना कमीना आदमी ना, जब शादी हो रही थी ना मेरी, अपनी बहनों के साथ मिलकर मेरे जूते चुराए। मैंने कहा भाई शगुन और जूते वापस करो। कहते शगुन नहीं चाहिए, हमें जूतों की बड़ी सख्त जरूरत है। बाद में देखा फेरों पे वही जूते इसकी बहन बहन के बैठी हुई थी। चल अरे जीजू एक खुशखबरी है। हाँ? मां बनने वाला है? नहीं नहीं जीजू, मेरी एक गर्लफ्रेंड है। हाँ? जैसा तेरा पेट है ना, तेरे जैसों का कनेक्शन गैस के चूल्हे के साथ होता है। तेरे जैसे कोई गर्लफ्रेंड नहीं होती। जीजू ये क्या बात हुई जीजू? मेरी एक गर्लफ्रेंड है और मैं चाहता हूँ कि आप उसके मम्मी पापा से बात करके जरा मेरी शादी का कुछ सेटिंग कीजिए ना। देख मैं तेरे को एक बात बताता हूँ, जिस गमले में पेड़ ना लगना हो उसको पानी देने का कोई फायदा नहीं। ओहो तुम दोनों क्यों सांप और नेवले के जैसे लड़ रहे हो? ए सांप किसको बोला तूने? आपको, जब देखो फन फैलाकर बैठे रहते हो। फन फैला के बैठे रहते हो? मैं तो सांप ठीक हूँ, और ये नेवला कहाँ से लग रहा? दरियाई घोड़ा। अरे दरियाई घोड़ा तो दरियाई घोड़ा सही, लेकिन जीजू प्लीज आपको मेरी मदद करनी पड़ेगी। वो क्या है कि मेरी जो गर्लफ्रेंड के पापा है ना, उनकी शर्त है कि मैं उनका दामाद और मेरा पूरा परिवार डिफेंस में होना चाहिए। हाँ? और वो आज मुझे यहाँ पर देखने भी आ रहे हैं। क्या बात कर रहा है? हाँ एक काम करना, जब तुझे देखने आएंगे ना तो पर हेड 20-20 रुपए लेना सबसे। 20 रुपए किस चीज के? हम लोग जब चिड़ियाघर जाते हैं हमसे नहीं पैसे लेते भालू देखने के। पढ़ा लिखा भाई, इंग्लिश टॉयलेट मेरे घर में आके देखी इन लोगों ने। मेरे एक सवाल का जवाब दे रहे तेरा भाई, मैं मान जाऊंगा जो तू बोलेगी, हार जाऊंगा। एक बात बता टुल्ले, बता लाल बहादुर शास्त्री जी कौन थे? हमारे देश के प्रधानमंत्री थे जीजू। देखा मोटा लालची आदमी ध्यान कुर्सी पे गया, ये नहीं बता सका कि लाल बहादुर शास्त्री अंदर से बहुत बहादुर थे, दिल के बड़े अच्छे थे। तुम्हें कैसे पता, तुम उनके पियारो थे। लाल बहादुर शास्त्री जी का नाम क्या था? लाल बहादुर शास्त्री, इधर लाल इधर शास्त्री, अंदर क्या रह गया? बहादुर। अंदर से बहादुर थे कि नहीं? लाल बहादुर शास्त्री जिंदाबाद। जीजू ठीक है वो बहादुर थे, लेकिन अब आपको मेरे लिए एक बहादुरी का काम करना पड़ेगा। तेरी बहन से शादी करके इतना तो झेल रहा हूँ, और क्या बहादुरी दिखाऊं तेरे को? क्या जीजू, क्या आप क्या बंदूक उठाने से डरते हैं? अरे मैं बंदूक उठाने से नहीं डरता, लेकिन जब सामने वाला उठाता ना तो मेरा बीपी लो हो जाता है। सुनिए ना, एक छोटा सा झूठ ही तो बोलना है, बोल दीजिए ना। और वैसे भी वो कहावत है ना सिद्धू बाजी, कि जिस झूठ से किसी बेचारे का भला हो वो झूठ झूठ नहीं होता, है ना? अरे जीजू एक छोटा सा झूठ है, बोल दो ना झूठ।
अरे एक बार शादी हो जाती ना उसके बाद कोई कुछ नहीं पूछता। हाँ तुम लोग तो बोलोगे कमीनो। शादी से पहले मेरे को फोटो दिखा दी रानी मुखर्जी की और शादी के बाद निकला क्या कैस्ट्रो मुखर्जी। जो तुम लोगों ने भी बोला था रिश्ता तय करते हुए कहा था कि घर एयरपोर्ट से वॉकिंग डिस्टेंस पे है, वो तो टांगे पे बैठने के बाद पता चला कि 50 किलोमीटर दूर है। 50 किलोमीटर की बात किलोमीटर की बात हुई थी, वॉकिंग डिस्टेंस की हुई थी। टांगे पे आए बैठ के, घोड़ा वॉक करके आया ना। हाँ? तो वॉकिंग डिस्टेंस ही हुआ ना। अभी तो सिर्फ एक बात पे फोकस करो ना जीजू, कि आपको डिफेंस वाला होने की एक्टिंग करनी है। अच्छा एक सेकंड सुनिए जी, सुनिए मेरी बात। अगर आपने मेरी भाई की मदद नहीं की तो मैं अगले एक साल तक मायके नहीं जाऊंगी। ठीक है कर दूंगा झूठ। अच्छा जीजू लगा ये भी बता दो कि शादी के बाद मैं हनीमून पे कहाँ जाऊंगा। हनी की इतनी सी शीशी तुम लोगों से अफोर्ड नहीं होती। हनीमून क्या मनाएगा तू। एक सेकंड, बहुत हो गया बहुत हो गया। हम अभी अंदर जाके तैयारी करते, लड़की वाले आते होंगे। फौजी बनना मत भूलना प्लीज। ठीक है मैं बन जाऊंगा यार। थैंक यू शर्मा जी, कपड़े भी लाया हूं। जीजू तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ। बड़ा कमीना है साला। फौजी हाँ, मेरे को यकीन नहीं हो रहा शाहरुख खान मेरे घर में। अनबिलीवेबल अनबिलीवेबल। अरे सुनते हो? काहे को सुनू, मैं जस्ट मेट शाहरुख खान। शट अप। Just met Shah Rukh Khan, just get lost of the faculty of the member. तो मेरी बात सुनो। क्या? तुम्हारा वो दोस्त है ना भूपिंदर? मैं शाहरुख खान की बात कर रहा हूँ? भूपिंदर? क्या भूपिंदर? तुम्हारा दोस्त भूपिंदर। कौन भूपिंदर? 6 feet लंबा, गोरे गोरे गाल, बड़े बड़े बाइसेप्स और ब्राउन आंखें, BMW। एक मिनट, ये तू भूपिंदर की निशानी बता रही है? उसका ऐसे सुना रही मुझे। कौन सा भूपिंदर? अरे मेरी सहेली मोना का हस्बैंड। अच्छा मोना, वो पतली सी फिकर, गोरा गोरा रंग, घुंघराले बाल, गुलाबी गुलाबी गाल, वो वाली मोना। तुम्हें मोना के बारे में इतना सब कैसे पता? भाई मेरे बेस्ट फ्रेंड भूपिंदर की बीवी है। वैसे भूपिंदर की बीवी है? अब तक तो भूपिंदर को नहीं पहचान रहे थे तुम? हां तो तूने लैंडमार्क में तो अभी बताया मेरे को मोना। तुम इतने बेशरम कैसे हो? तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। बाहो, उम्मीद तो मुझे तुमसे थी, वो भी दो बार, पर हुआ क्या? बाबा जी का ठुल्लू। समझाओ इन्हें सरदार जी, समझाओ। दादी क्या कर रही हो? सुबह सुबह फिर शुरू हो गई तुम? बाबा जी का ठुल्लू, बाबा जी का कुल्लू, क्या क्यों जा कर रही हो अभी? मैं मंदिर जा रही हूँ। और बाबा जी का ठुल्लू ना हो। दादी रास्ते में मेडिकल से खांसी की दवाई भी ले लेना, रात भर खांसी रहती हूँ, पोता कहाँ से होगा? नीयत गंदी होनी चाहिए बहू, वरना पोता तो उस घर में भी हो जाता है जहाँ 6-6 लोग रहते हैं। मंदिर जा रही हूँ, मुंह मत खुलवा। सिद्धू जी, मैंने इसको पूछा कि हमारे देश का प्रधानमंत्री कौन है, कहने लगा जवाहरलाल नेहरू। इस बेवकूफ को इतना भी नहीं पता कि हमारे प्रधानमंत्री इस वक्त मनमोहन सिंह है। तो आज मनमोहन सिंह आ गया तो क्या हम लोग जवाहरलाल नेहरू को भूल जाए? नहीं, इनकलाब जिंदाबाद। पुराने लोगों को कैसे भूल सकता कोई? इसका मतलब तुमने अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड को अभी तक नहीं भुलाया? ये औरतें कौन सी बात कहां पे लेके घुस जाती भाई। ये औरतों को दो चीजें कभी नहीं आएंगी, एक गाड़ी पार करना, दूसरा पति से तमीज से बात करना। मैंने इससे पूछा, मैंने कहा तू इतनी पढ़ी लिखी तो मेरे को बता बहरे को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कहती जो मर्जी कह दो उसको कौन सा सुनाई देना। इतनी सी चीज की नॉलेज नहीं है, इतनी सी चीज की। तुम्हें बड़ी नॉलेज है, जरा बता दो एक औरत एक घंटे में अगर 40 रोटियां बना सकती है तो 3 औरतों को कितना टाइम लगेगा?
कुछ भी नहीं बनेगा 3 घंटे में। मैं तो कहता हूँ एक ही औरत से रिक्वेस्ट कर लो, 40 की बजाय 50 बना देगी। तीनों को बिठाओगी ना, चुगलियां करेंगी तीनों बैठ के। मैं तेरे को पूछता हूँ, तू बता मेरे को, बड़े सवाल पूछ रही है। एक आदमी ऑफिस से अपने घर में 1 घंटे में जाता है, 3 आदमी कितना टाइम लेंगे बता? 3 घंटा। 3 घंटे क्यों, रास्ता तो उतरेंगे बेवकूफ। तुम 3 मुस्टंडे जो रस्ती में बैठ के शराब पियोगे उसका टाइम कौन जोड़ेगा? कौन जोड़ेगा? चुप तो ऐसे करा दे जैसे बड़ा लाफ्टर आने वाला है। अगर सवाल जवाब हो गए तो मेरी बात सुन लो। क्या? मुझे मोना की बहन भी मिली थी साथ में, बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रही थी कि ऑस्ट्रेलिया में उसका हस्बैंड बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। तो मैंने भी झूठ मूठ बोल दिया कि मेरा पति भी बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। मेरे अलावा और कौन पति है तुम्हारा? अरे तुम्हारे बारे में झूठ बोला है मैंने। और सुनो, शाम को वो घर आ रहे, तुम्हें अमीरों वाली नाटक करने पड़ेगी। मैं नहीं कर सकता अमीरों का नाटक, बाजी के अमीरी देखी हो तो नाटक करूँ ना मैं। हम तो इतने गरीब आदमी है, हमारे घर पे दरवाजा तक नहीं, लोग आते ना मुंह से ठुक ठुक करके अंदर आते हैं। मेरे से नहीं होएगी एक्टिंग, मैं नहीं कर सकता हूँ। तुमको करनी पड़ेगी। नहीं कर सकता हूँ मैं। अरे साहब जी क्या हो गया आपको, ये कौन सा मुश्किल काम है, आसान तो है। ये रखे इधर, देखे इधर आए, इधर हटे, इधर हटे। अमीर बनना कोई मुश्किल काम नहीं है, ऐसे बैठना है, टांग पे टांग रखनी है, ये हाथ इधर रखना है, इधर टाई लगानी, अमीर तैयार। हेलो, तो टाई मैं कहां से लाऊं बाजी, एक ही टाई थी, मेरा नल लीक हो रहा था, मैंने बांध के पानी रोका हुआ है। अरे यार थोड़ी सी एक्टिंग कर लो, मेरी इज्जत का सवाल है। मैं नहीं कर सकता एक्टिंग। और ये है मेरे पति मिस्टर शर्मा। हेलो, हाउ डू यू डू? बैठिए ना, आप बैठिए। प्लीज सिट, प्लीज सिट। थैंक यू, थैंक यू, बैठिए ना। क्या लेंगे आप? क्या लेंगे आप? ब्लैक टी विद मिल्क। अच्छा चाय लेंगे, अभी लेकर आता हूँ। अरे आप क्यों जाएंगे शर्मा जी? हाँ मैं क्यों जाऊंगा, मैं क्यों जाऊंगा। एक्चुअली मैं बिजी बहुत हूँ ना, मुझे पता नहीं कौन सा काम करना कौन सा नहीं करना।